नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में, एक और नई जानकारी में। मेरा नाम है प्रदीप, आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप एक पीएफ अकाउंट खोल रहे हैं, आपका भी पीएफ अकाउंट है और आप कहीं पर नौकरी कर रहे हैं और अगर आपको इमरजेंसी में कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है तो कैसे आप जो है एडवांस में जो आपका पीएफ अकाउंट है उससे पैसा निकाल सकते हो। देखिए, पैसों की ज़रूरत सभी को पड़ती है, बट कई बार क्या होता है कि हमें इमरजेंसी में कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है तो हम सोचते हैं कि यार दोस्तों से उधार ले लें, रिश्तेदारों से मांग लें। तो अगर आपका पीएफ अकाउंट है तो आपको ये चीज़ें करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप जो है आपका जो पीएफ अकाउंट है उससे आप एडवांस में पीएफ का पैसा निकाल सकते हो, क्योंकि ईपीएफओ यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने ये फैसिलिटी दे रखी है पीएफ अकाउंट होल्डर्स को कि अगर उनको एडवांस में पीएफ का पैसा विड्रॉ करना है तो वो कर सकते हैं। इसके लिए सिंपल एक फॉर्म अप्लाई करना पड़ता है जिसका नाम है फॉर्म 31, जो कि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा भी और आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि कैसे आप घर बैठे अपने मोबाइल से इंटरनेट के माध्यम से फॉर्म 31 अप्लाई कर सकते हो। और जब फॉर्म 31 अप्लाई कर देंगे, ईपीएफओ क्लेम जो है अप्रूव कर देगा, उसके बाद सीधा जो पैसा है आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। उसके बाद आप जो है एटीएम से या फिर जो भी आपको काम करने वो आप कर सकते हो। वीडियो काफी हेल्पफुल होने वाली है आप सभी पीएफ अकाउंट होल्डर्स के लिए, तो वीडियो को अभी से लाइक कर दो। चैनल पर नए इस तरह की हेल्पफुल नॉलेज वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए, अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे आप एडवांस में पीएफ का पैसा निकालने के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना है, ईपीएफओ का ये जो यूएन मेंबर का पोर्टल है इसको ओपन कर लेना है। बाकी हर बार की तरह इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जब इसको ओपन कर ले तो यहाँ पर आपको अपना 12 डिजिट का यूएन नंबर मेंशन करना है, यहाँ पर पासवर्ड मेंशन करना है और ये जो कैप्चा कोड है यहाँ पर आपको मेंशन करके साइन इन कर लेना है। अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो देखिए फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके अपना नया पासवर्ड बना सकते हो। कैप्चा कोड समझ में नहीं आता तो यहाँ पर देखिए रिफ्रेश का बटन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो नया कैप्चा कोड यहाँ पर आ जाएगा। तो चलिए ये पूरी डिटेल मेंशन करके मैं साइन इन कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने सक्सेसफुली साइन इन लॉगिन कर लिया है। जब आप लॉगिन कर लेंगे तो आपको एक अलर्ट देखने को मिलता है ई नॉमिनेशन को लेकर, इसको कर देते हैं लेटर। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए ऑनलाइन सर्विसेज का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर क्लेम फॉर्म 31, 19, 10C and 10D का जो ऑप्शन है ये आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो बैंक अकाउंट नंबर आपने अपने यूएन अकाउंट के साथ लिंक कर रखा है पूरा बैंक अकाउंट नंबर मेंशन करके वेरीफाई कर लेना है। यहाँ पर मैंने बैंक अकाउंट नंबर मेंशन कर दिया है, उसके बाद वेरीफाई, और यहाँ पर जब वेरीफाई पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर कुछ सेकंड के लिए आपको वेट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा यस नो करने के लिए, यहाँ पर आपको यस कर देना है और जैसे यस करेंगे यहाँ पर जो है ओके ग्रीन टिक का निशान आ जाएगा, यानी कि आपका जो बैंक अकाउंट नंबर आपने लिंक कर रखा है अपने यूएन अकाउंट के साथ जो सीड कर रखा है वो वेरीफाई हो जाएगा, इस तरह से आइकन आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम का जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का जो है पेज आ जाएगा और यहाँ पर देखिए आई वांट टू अप्लाई फॉर और यहाँ पर सेलेक्ट क्लेम ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर पीएफ एडवांस फॉर्म 31 आपको देखने को मिलेगा। पीएफ एडवांस फॉर्म 31 आपको सेलेक्ट कर लेना है। जब सेलेक्ट करेंगे उसके बाद यहाँ पर देखिए सेलेक्ट सर्विस और यहाँ पर क्लिक करके आपको जो है अपनी पीएफ मेंबर आईडी सेलेक्ट कर लेनी है। अगर आपकी एक से ज़्यादा पीएफ मेंबर आईडी है और आपने पीएफ का पैसा ट्रांसफर नहीं किया है पुरानी पीएफ मेंबर आईडी से करंट में, तो जिस भी पीएफ मेंबर आईडी से आपको एडवांस में पीएफ का पैसा निकालना है वो पीएफ मेंबर आईडी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। सेलेक्ट करने के बाद जिस उद्देश्य के लिए अग्रिम की आवश्यकता है, पर्पज फॉर विच एडवांस इज रिक्वायर्ड, यानी कि आपको एडवांस में पीएफ का पैसा क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए, आपको रीजन देना रहता है। तो यहाँ पर देखिए सेलेक्ट एडवांस पारा, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको जो है काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, काफ़ी सारे आपको जो यहाँ पर रीजन देखने को मिल जाते हैं। बाकी डिपेंड करता है आपकी सर्विस के हिसाब से कितने साल की सर्विस है, ज़्यादा सर्विस रहती है तो ये जो पारा है बाकी ये भी जो है अवेलेबल हो जाते हैं। तो अगर आपको जो है इलनेस के लिए निकालना है या फिर जो है आपको आउटब्रेक ऑफ पेंडेमिक COVID-19 के तहत आपको एडवांस में पीएफ का पैसा निकालना है तो यहाँ पर जिस भी पारा के तहत आपको निकालना है तो यहाँ पर आपको जो है पारा सेलेक्ट कर लेना है। इलनेस पारा के तहत आप जो है महीने में एक बार ही जो है आप एडवांस में पीएफ का पैसा निकाल सकते हो, यानी कि जनवरी महीने में आपने निकाल लिया तो फिर आपको फरवरी में निकालना पड़ेगा। आउटब्रेक ऑफ पेंडेमिक COVID-19 पारा के तहत अगर अभी तक आपने नहीं निकाला, निकालना चाहते हो तो 72 घंटे में एज पर द ईपीएफओ 72 घंटे में क्लेम सेटल हो जाता है और आपके बैंक अकाउंट में जो है पैसा क्रेडिट हो जाएगा। इलनेस पारा के तहत मैक्सिमम 10 से 15 दिन लग सकते हैं। बाकी जो दूसरे पारा है इसके बारे में मैं आपको जो है अलग से सेपरेट वीडियो बनाकर जानकारी दे दूंगा। तो अभी मैं जो है मेरे को जल्दी से पैसा निकालना है तो मैं यहाँ पर आउटब्रेक ऑफ पेंडेमिक जो COVID-19 पारा है ये मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आपने इस पारा के तहत पहले से पैसा निकाल लिया है एडवांस में तो ये जो पारा है इस तरह से रेड कलर में यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। फिर आप जो है सबसे अच्छा जो पारा है इलनेस का, इसके तहत आप जो है एडवांस में पीएफ का पैसा निकाल लीजिए।
उसके बाद यहाँ पर देखिए आवश्यक अग्रिम की राशि रुपए में यहाँ पर आप जो मैक्सिमम अमाउंट भर दीजिए, आप यहाँ पर कितनी भी अमाउंट भर सकते हो, बट इस पारा के तहत जो भी यहाँ पर पारा सेलेक्ट करते हो उस पारा के तहत आप जो है कितना एलिजिबल रहते हैं, कितना आपको एडवांस में पीएफ का पैसा मिलेगा, वो ईपीएफओ की जो टीम है, ईपीएफओ का जो स्टाफ है, वो कैलकुलेट करके इतना पैसा आपके बैंक अकाउंट में जो है क्रेडिट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर मैं जो है 11,000 रुपए भर देता हूँ। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जितने भी पारा हैं, हर पारा का अलग नियम है और एक अलग अमाउंट डिसाइड की गई है कि कितना जो है इस पारा के तहत आपको एडवांस में मैक्सिमम पैसा मिलेगा, कितनी बार मिलेगा। उसके लिए मैंने सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। तो यहाँ पर आपको जो अपना पारा सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर अमाउंट भर देनी है और यहाँ पर एम्प्लॉई एड्रेस यानी कि आपका पीएफ अकाउंट है तो आपके आधार कार्ड में जो आपका एड्रेस है, कंप्लीट एड्रेस यहाँ पर पिन कोड स्टेट डिस्ट्रिक्ट के साथ यहाँ पर कंप्लीट मेंशन कर। तो यहाँ पर मैंने कंप्लीट एड्रेस मेंशन कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर देखिए अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ चेक पासबुक, यानी कि जो बैंक अकाउंट नंबर आपने अपना यानी कि जो बैंक अकाउंट नंबर आपने यूएन अकाउंट के साथ लिंक एड सीड कर रखा है उसका, या तो पासबुक की स्कैन कॉपी या फिर उसका जो है चेक की स्कैन कॉपी आपको अपलोड करना है। उसका साइज मिनिमम 100 KB मैक्सिमम 500 KB के बीच में होना चाहिए और उस पर जो भी आप बैंक की पासबुक या फिर चेक अपलोड करेंगे उस पर बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड जो है और आपका नाम मेंशन होना चाहिए और साफ दिखना भी चाहिए, यहाँ पर देख सकते हो। और जो फॉर्मेट होना चाहिए वो JPG और JPEG फॉर्मेट होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर चूज फाइल का ऑप्शन है, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर जो है मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। जो पासबुक मैं अपलोड कर रहा हूँ उसका साइज यहाँ पर देख सकते हो 252 KB का है और यहाँ पर बताया है कि 100 KB और 500 KB के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं जो है बैंक का पासबुक जो है सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर अपलोड हो गया है। उसके बाद नीचे की तरफ आना है, व्यू करना है, तो यहाँ पर देखिए व्यू का ऑप्शन, इस पर क्लिक करके जो है आप व्यू भी कर सकते हो। इसके बाद नीचे की तरफ आना है, यहाँ पर देखिए एक छोटा सा बॉक्स है, आपको जो यहाँ पर आपको परमिशन देनी है, आपको यहाँ पर जो है अपनी सहमति देनी है, यहाँ पर टिक कर देना है। उसके बाद गेट आधार OTP, इस पर आपको क्लिक करना है और आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक रहता है उस पर एक OTP जाएगा और यहाँ पर देख सकते हो OTP विल बी सेंड टू मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद UIDAI आधार। अगर आपके आधार कार्ड नंबर के साथ कोई भी मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो फिर आप ऑनलाइन क्लेम सबमिट नहीं कर सकते, पहले आपको अपने आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक कराना होगा। तो चलिए मेरे आधार कार्ड के साथ जो है मोबाइल नंबर लिंक है तो मैं यहाँ पर गेट आधार OTP पर मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर बता रहा है प्लीज वेट और जैसे OTP चला जाएगा यहाँ पर मैसेज भी आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो सक्सेस OTP हैज बीन सेंड ऑन मोबाइल, यहाँ पर लास्ट की 4 डिजिट दिखा देता है कि कौन से मोबाइल नंबर पर OTP गया है और जो OTP आपके मोबाइल पर आता है वो यहाँ पर मेंशन करके वैलिडेट OTP एंड सबमिट क्लेम फॉर्म का जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक कर देना है। OTP नहीं आता तो देखिए रीसेंड OTP का ऑप्शन है, दोबारा से इस पर क्लिक करके OTP मंगवा सकते हो। तो मेरे पास OTP आ गया है, OTP नंबर यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ, मेंशन कर दिया है। जो OTP आता है वो 10 मिनट के लिए वैलिड रहता है और जब यहाँ पर OTP मेंशन करते हैं उसके बाद वैलिडेट OTP एंड सबमिट क्लेम फॉर्म का जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक कर देना है। ऑनलाइन क्लेम रिक्वेस्ट इज सबमिटिंग एट पोर्टल और आपको यहाँ पर कुछ सेकंड के लिए वेट करना है, आपकी जो रिक्वेस्ट है वो सबमिट हो रही है पोर्टल पर। उसके बाद यहाँ पर देखिए OTP हैज बीन वेरीफाइड, EKYC अपडेटेड एंड PF एडवांस क्लेम फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली, यहाँ पर जो है क्लेम की जो रिक्वेस्ट है हमारी सक्सेसफुली सबमिट हो गई है ऑन यूनिफाइड पोर्टल EPFO का, ये जो UN मेंबर का पोर्टल है यहाँ पर क्लिक है टू व्यू PDF, इस पर क्लिक करके जो आपने रिक्वेस्ट सबमिट करी है उसका PDF भी देख सकते हो, PDF जनरेट होती है। और आज हमने एडवांस में PF का पैसा निकालने के लिए अप्लाई किया है आउटब्रेक ऑफ पेंडेमिक पारा के तहत। अब यहाँ पर देखिए ऑनलाइन सर्विसेज में जाते हैं और यहाँ पर ट्रेक क्लेम स्टेटस पर क्लिक करते हैं और जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है हमें स्टेटस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर ट्रैकिंग आईडी यहाँ पर दे रखी है, फॉर्म टाइप हमने एडवांस में PF का पैसा निकालने के लिए फॉर्म 31 अप्लाई किया, सबमिटेड एट पोर्टल हमने जो है 11 मार्च 2022 को दोपहर 1:30 पर जो है रिक्वेस्ट सबमिट करी है और अभी जो है करंट स्टेटस आ रहा है ऑनलाइन क्लेम सबमिटेड एट पोर्टल, यानी कि EPFO का ये जो UN मेंबर का पोर्टल है इस पर हमने जो है क्लेम सबमिट कर दिया है और शाम तक जो है शाम को 8-9 बजे के आसपास ये जो रिक्वेस्ट है EPFO के उस क्षेत्रीय कार्यालय में PF ऑफिस में चली जाएगी जहां पर हमारा PF अकाउंट है और यहां पर स्टेटस दिखा देगा सेंड टू फील्ड ऑफिस के नीचे, अभी जो है यहां पर ब्लैंक आ रहा है। और दोस्तों उसके बाद जैसे आप लॉग इन करेंगे और उसके बाद यहां पर ऑनलाइन सर्विसेज में जाएंगे और यहां पर ट्रेक क्लेम स्टेटस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर दिखा भी देगा, देख सकते हो फॉर्म 31 यहां पर करंट स्टेटस इसका दिखा देगा, क्लेम सेटल्ड यानी कि EPFO की तरफ से क्लेम जो है सेटल कर दिया गया है।
और उसके बाद यहाँ पर ईपीएफओ का ये जो पासबुक का पोर्टल है यहाँ पर लॉगिन करके चेक करेंगे तो यहाँ पर भी दिखा देगा। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने सक्सेसफुली लॉगिन कर लिया है। सेलेक्ट मेंबर आईडी, यहाँ पर आपको अपनी पीएफ मेंबर आईडी सेलेक्ट करनी रहती है। उसके बाद व्यू क्लेम स्टेटस पर आपको क्लिक करना रहता है। उसके बाद यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हो फॉर्म 31 एडवांस के लिए जो अप्लाई किया था वो यहाँ पर जो है दिखा रहा है सेटल्ड, और यहाँ पर कितनी अमाउंट अप्रूव हुई, यहाँ पर जो है कब डिस्पैच हुआ दिखा दिया है कम्प्लीट, और यहाँ पर दिखा दिया कि ये जो है योर क्लेम रिमार्क में आईडी दे रखी है, हैज बीन सेटल्ड, पेमेंट सेंड वाया NEFT ऑन जो भी डेट रहती है वो यहाँ पर दिखा देगा। तो दोस्तों इस तरह से आप जो है घर बैठे मात्र 5-10 मिनट में अगर आपको एडवांस में पीएफ का पैसा चाहिए, कुछ पैसों की जरूरत पड़ जाती है, कहीं पर नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी करते करते आप जो है एडवांस में पीएफ का पैसा निकाल सकते हो। मैंने आपको जो है कंप्लीट प्रोसेस दिखा दिया, अच्छी तरह से आपको समझा भी दिया। तो आशा करता हूं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसके बारे में आपकी क्या राय है, क्या फीडबैक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और आगे भी इस तरह की हेल्पफुल नॉलेज बेस्ड वीडियो पाना चाहते हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं प्रदीप, फिर मैं तो इस तरह की हेल्पफुल नॉलेज बेस्ड वीडियो के साथ एक और नई जानकारी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।